हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल हम कौन से स्टॉक ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो के सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड जो नॉर्मल होता है उसको 1.25 अगर आप कर दे तो आपको और अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। तो सेटिंग्स में जाके प्लेबैक स्पीड को नॉर्मल से 1.25 कर दे। तो सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी जैसे कि आप जानते हैं थर्सडे को हमने सेलिंग के साइड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया, और जैसे कि मैंने थर्सडे इवनिंग आपको बताया था कि फ्राइडे को मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, एग्जैक्टली वैसे हुआ। बहुत नीचे जाने के बाद इसने बहुत ऊपर के साइड मूव दिया और डे एंड में फिर से नीचे आके फिर साइडवेज हो गया। तो एकदम से वॉलेटाइल मार्केट हमने फ्राइडे को देखा। और अगर आप कोई न्यूज़ चैनल अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड देखते हैं, CNBC आवाज़ का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप CNBC आवाज़ फ्राइडे को देखते थे, मैंने थर्सडे को आपको बोला था कि फ्राइडे को मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला हूँ, तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए CNBC आवाज़ देख रहा था मॉर्निंग से। और उसमें मैंने नोटिस किया सुबह जब ये मार्केट गिरा तो वो लोग बहुत सबको डरा दिया, और बड़ा करेक्शन और बड़ा करेक्शन। और उसके बाद जैसे ही एक कैंडल जो है ग्रीन बनने लग गया, उसके बाद वो लोग न्यूज़ देने लग गए ज़बरदस्त रिकवरी, मार्केट में ज़बरदस्त रिकवरी। यहाँ पे वो लोग नीचे आते न्यूज़ दे रहे थे ज़बरदस्त करेक्शन, सेलर्स हावी होते हुए, बियर्स गैंग हावी होता हुआ, ऐसे कुछ न्यूज़ दे रहे थे। और एक कैंडल ग्रीन बनने लगते ही वो न्यूज़ देने लगते हैं ज़बरदस्त रिकवरी, ज़बरदस्त रिकवरी। तो यहाँ पे लोग बाय कर लेते हैं रिकवरी को सोच के और यहाँ पे फंस जाते हैं। फिर मार्केट यहाँ से फिर से टर्न हो जाता है, फिर वो लोग न्यूज़ देते हैं कि फिर से बिकवाली आ गई, मार्केट में बिकवाली छा गई। तो वोलेटाइल मार्केट की यही कमज़ोरी होती है कि दोनों साइड इसमें रिटेल ट्रेडर जो है वो लॉस करता है। जो लोग यहाँ पे बाय किए वो यहाँ पे निकलते हैं, और जो यहाँ पे बाई किए वो यहाँ पे निकलते हैं। तो दोनों साइड इसमें रिटेल ट्रेडर का लॉस होता है, इसलिए ऐसे वॉलेटाइल डेज पे हम मार्केट में ट्रेड करना अवॉइड करते हैं। तो मैंने सिर्फ देख के फ्राइडे को मार्केट एंजॉय किया। तो चलिए देखते हैं कल हम मंडे को अभी क्या ट्रेड कर सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट हमने देखा, उसके बाद एक वॉलेटाइल देखा। अगर कल दो सीनेरियो हो सकते हैं, हम दोनों के साइड प्लान करेंगे, दोनों लेवल्स में आपको दूंगा। अगर ये कल ऊपर जाने के लिए रेडी होता है तो हमारी लेवल रहेगी 17,742। इस लेवल को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि ये एक रेड कैंडल है बड़ा, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल है छोटा, ये इनसाइड कैंडल है, कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल ये फॉर्म हुआ है। इसकी खासियत है जो भी साइड ये ब्रेक देगा उस साइड अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल को ऊपर ब्रेक करे जो कि ये लेवल है 17,742, इस लेवल को अगर ऊपर के साइड ब्रेक करे तो 100 पॉइंट्स हमारा टारगेट रहेगा बाइंग के साइड, और 50 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इसी कैंडल के नीचे अगर ये ब्रेक करे जो कि लेवल हमारा रहेगा 17,629, यह हमारा नीचे के साइड लेवल रहेगा। इस लेवल को अगर नीचे ब्रेक करता है तो हम सेलिंग करेंगे, सेलिंग में भी सेम हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। तो निफ्टी में ये दो लेवल्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्क्वीज हुआ था, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया था कि ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है, और बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें मिला। उसके बाद ये थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट किया। कल ये थोड़ा डे एंड में ये थोड़ा स्ट्रांग हुआ है यहाँ पे, तो फ्राइडे को डे एंड में मुझे थोड़ा स्ट्रांग नज़र आ रहा था। तो कल हम इसको बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर और नीचे ये गिरने लग गया तो हम इसको थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो इसमें हमारी लेवल रहेगी 39,294। इस लेवल को जब ये ऊपर के साइड ब्रेक करे, ऊपर के साइड इस लेवल को ये ब्रेक करे, तो हम इसमें बाय प्लान करेंगे। उसमें 200 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा और 100 पॉइंट्स का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखनी है, इस लेवल के ऊपर अगर ये क्रॉस करे तो हम बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अगर आप देखें एक सपोर्ट लेवल पे है, 3-4-5 टाइम्स इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, 475-480 जो है ये एक सपोर्ट लेवल है। अभी फिर से इसने यहाँ से एक अपसाइड मूव देने की ट्राई किया है। तो अगर ये 480 के ऊपर कल रहता है थोड़ा पॉजिटिव, कुछ समय अगर ये पॉजिटिव रहता है, 480 के अगर नीचे ब्रेक नहीं करता है, तो हम इसमें बाइंग के साइड प्लान करेंगे।
485 इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने के बाद हम इसमें बाइंग के लिए प्लान करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 489, 489 टारगेट रहेगा और 4 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 485 के ऊपर जब ये क्रॉस करे तभी हम इसमें बाय करेंगे। सेलिंग के साइड अगर ये जाता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टाटा स्टील। टाटा स्टील अगर आप देखें यहाँ पे इसने गैप जो छोड़ा था वो इसने फिल कर दिया है। ये गैप फिल करने के लिए ऊपर आया था तो अभी ये स्लो एंड स्टेडी नीचे के साइड मूव कर रहा है। 1310 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है, 1310 इस लेवल को अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो हम इसमें सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। उसमें 15 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा, 15 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा और 7 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेलिंग के साइड। और इसने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है इसलिए अगर ये इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है 1330 इस लेवल को अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसमें बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं। उसमें भी सेम हमारा 15 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा और 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। सो जैकपॉट ट्रेड हमारा है पायनियर डिस्लेरीज। ये यूनाइटेड स्पिरिट की ही एक कंपनी है तो ये नाम आप नोट कर सकते हैं। इसमें हम मंथली कैंडल पे मैं आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए RSI की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो RSI में ऐड कर लेता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI अगर आप देखें 60 के ऊपर जब भी कोई स्टॉक जाता है प्राइस तो वो बुलिश हो जाता है, ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। तो मंथली कैंडल हम इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप देखें 2018 में एक बार बस इसने 60 क्रॉस किया था, उसके बाद ये 60 के ऊपर कभी नहीं था। और उससे पहले 2016 से ये RSI इसका 60 के नीचे ही है। 2016 से RSI इसका 60 के नीचे है, बस एक बार ये बीच में ऊपर गया था फिर से ये वहाँ पे टिक नहीं पाया। तो 2016 के बाद इतने टाइम बाद ये फिर से RSI 60 के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है जो कि स्टॉक की मजबूती हमें दर्शाता है। अभी ये 195 है, कल ये गैप अप ओपन हो सकता है लेकिन पोजिशनल हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 190 या 185 का हम मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट इसमें फर्स्ट टारगेट 250 का हमारा रहने वाला है। पोजिशनल ये ट्रेड हो सकता है, हम इसको लेके कुछ महीनों के लिए भूल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न से हमें दे सकता है। तो इस स्टॉक को आप नोट कर ले, पोजिशनल हम लेने वाले हैं इसलिए थोड़ा साइडवेज भी अगर ये 2-3 दिन जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आराम से 30% के रिटर्न हमें इसमें मिल सकते हैं और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जिसको जितना प्रॉफिट सही लगे वो वहाँ पे बुक कर सकता है। जब 30% का मेरा टारगेट हो जाएगा उसके बाद मैं इसको सेल करूँगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।